ऑलरेडी सो वेलकम टू एस बीज मास्टर क्लास. और आज मेरे साथ हैं ये 17 साल के एंटरप्रेन्योर. ये कह के इसने बहुत फ़ायदा उठाया है. सत्रह साल के एंटरप्रेन्योर. इसने अपने एड्स ऐसे चलाए हैं, बहुत सारी चीज़ों में इसने अपनी मार्केटिंग ऐसी करी है. लेकिन अब ये 18 साल के हो चुके हैं. इनका नाम है देवव्रत सिंह. ओके, एंड शायद आपने इन्हें पहले देखा होगा हमारे साथ, हमारे फोटोग्राफ्स में या वीडियोस वगैरह में, या फिर एड्स क्रिस्प के अगर आपने लॉन्च से पहले जो हमने मिलियन डॉलर चैलेंज लिया था उसमें शायद आपने इसे देखा होगा, हल्ला मचाते हुए कुछ कुछ चीज़ें करते हुए, काम ना करते हुए बेसिकली. मेमोरीज में नहीं जाना है. लेट्स कम टुडे. एंड अभी अगर मैं बात करूँ, ओके, सो देवव्रत 17 से 18 ईयर्स के आप हो चुके हो और ये सारी की सारी जर्नी हमारे सामने हुई है. आज से ठीक एक साल पहले आप यहाँ पे आए थे. सेम डेट एंड वही ठीक एक साल हो गया है. तो क्या क्या चीज़ें हुई हैं और थोड़ा सा अपने बारे में बता दो यार. यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो नेम इज़ देवव्रत सिंह और करंटली आई एम रनिंग एन एजेंसी. तो ये है बैच पहन के घूम रहे हैं बिफोर ब्रांडिंग डिजिटल एजेंसी. अगेन ये चीज़ भी भैया से सीखी है, मेक योर ब्रांड लाइक वेरी फोकस्ड. ओके सो अभी के लिए सो वी आर रनिंग एन एजेंसी. And secondly is I am focusing more on my personal brand. And third and one of the most important thing that we are doing in this process is actually learning out the things of how to grow the an agency. So एक तो चला भी रहे हैं और दूसरा खुद भी लर्न कर रहे हैं कि उसको ग्रो कैसे करेंगे. तो दिस आर द थिंग्स. और नंबर्स में अभी जाना शायद ठीक नहीं होगा, बट लेट्स गो विद द ओवरऑल थिंग इज कि एक एजेंसी है. शायद अपने बारे में बताना इतना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, मेरे भी हो जाता है कभी कभी. लेकिन एज ऑफ नाउ ही इज 18 ईयर्स ओल्ड एंड अपना एजेंसी में ही इज कंटिन्यूसली रिटेनिंग $10,000 पर मंथ, यानी कि महीने का 6.5 लाख. ओके, रिटेनिंग का मतलब हर महीने कंसिस्टेंट. ओके, सो हर महीने कंसिस्टेंट ये $10,000, 6.5 लाख रुपये पर मंथ तो ही इज कंटिन्यूसली डूइंग इन हिज कंपनी. एंड एक साल पहले कैसे शुरुआत हुई थी हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और उस एक साल में क्या क्या चीज़ें बदली हैं हम लोग उस सब के बारे में डिस्कशन करेंगे इन दिस वीडियो. ओके, एंड ऑल्सो नाउ आई हैव मेड थिंग्स इजियर फॉर यू. हाँ, एंड ऑल्सो मतलब जो भैया ने ये बात कही विद दैट ऑल्सो हम नॉट ओनली आर फोकसिंग ऑन एजेंसी ऑल्सो बट समवेयर कंसल्टिंग इज प्लेइंग अ बिगर रोल फॉर अस रादर देन एजेंसी स्टाफ. और सेकेंडली यस देर आर थिंग्स विच वी आर ग्रोइंग जस्ट क्लोज टू लाइक एजेंसी मॉडल. तो प्रोडक्ट्स ऑल्सो अराउंड सम एजेंसी स्टफ, तो वो भी चीज़ें हैं. आपके क्वेश्चंस. ओके तो एक साल पहले जब हम लोग मिले थे, ठीक है, एक साल पहले तो यू केम ओवर हेयर राइट. उससे पहले उस समय क्या था, उस समय क्या चल रहा था व्हेन यू केम हेयर? उसके पहले या द डेट व्हेन वी केम हेयर? लाइक सपोज व्हेन यू केम हेयर. ओके, सो व्हेन आई केम हेयर एक्चुअली आई वॉज डाउन टू जीरो. So down to zero, so much down to zero that Saurabh bhaiya would explain very clearly what does down to zero really means. So again on 2nd of last year, 2nd of March, I came to this place. 3rd se humne kaam karna start kiya and the day we are recording this video is 3rd of March. The year has changed and it's just 1 year. Kya kar rahe the was I had lost everything, let's keep this thing very aside, was back to zero and was on the position of restarting the journey. तो मतलब कुछ भी नहीं था. अब वी वॉन्टेड टू गो ऑन अ न्यू पाथ एंड समवेयर यहाँ पे ही आके एट दिस प्लेस इन गोवा दैट पाथ वॉज वेरी क्लियर. और अगेन वी स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम दिस डे. दैट्स समथिंग रियली इम्पॉर्टेंट टू लर्न. सो बेसिकली हुआ क्या था, एक साल पहले हम लोग एड्स क्रिस्प का हमारा लॉन्च था 20 अप्रैल को और उसमें हमने लॉन्च से पहले 7 इंटर्न्स को हायर किया था जिसमें से कि एक इंटर्न थे देवव्रत सिंह. ओके, सो दैट इज़ द रीज़न वाई ही केम ओवर हियर. He came over here, he stayed over here for a couple of months and he contributed wholeheartedly. He was really dedicated in the things that he was doing and really committed with all the assignments, all the tasks that were given to him. The point is कि आते समय जब आप यहाँ पे पहुँचे थे उस समय आपकी जेब में कितने रुपए होंगे? थे क्योंकि बस का एक्सपेंस लगता है ना थिवीम टू मापसा. सो आफ्टर दैट इट वाज लेस देन 100. ओके, लेस देन 100. ओके, एंड उन 40 डेज में कुछ आपने अर्निंग भी करी थी? हाँ, उसका एक सेपरेट वीडियो है ऑलरेडी. सो हाँ, इवेंट के पहले एंड आफ्टर द लॉन्च डेट 28 वाज द लॉन्च, खत्म हुआ था जब हमारा,
उसके बाद इट वॉज मोर देन 2000 क्लोज टू 1.5 के डॉलर्स प्लस. तो कैलकुलेट कर लो आप, मोर देन 1,50,000 के ऊपर तो मैं यहाँ से लेके गया था इन माई पॉकेट. ओके, दैट वॉज जस्ट डूइंग माई ओन वर्क. फिर अगेन देर वर थिंग्स फ्रॉम एट क्रिस्प एज वेल. सो लीविंग दैट असाइड 1,50,000 वॉज इन माई पॉकेट. ओके, इन 40 डेज. Less than 40 days. And आपको ऐसा लगा कि 17 साल की एज में ये अच्छा पैसा है, कम पैसा है, या बड़ा है, क्या क्या बात? उस टाइम पे शायद एज की नहीं थी, उस टाइम पे आई वुड से दैट उस टाइम पीरियड की थी. क्योंकि यहाँ पे जब आया था तो आई टोल्ड यू लेस देन 100 रुपीज था. मेरे को तो पहले से पता था. हाँ, वो तो आपको पता ही था. सो भैया को पूरी स्टोरी बता दी उसके पहले वाली. तो उस टाइम पे तो द फर्स्ट अर्निंग जो कि मैंने आपको शायद दिखाई भी थी. सो आई गॉट अ कंसल्टिंग गिग. और उसे दिखाना नहीं कहते, उसे चिल्लाना कहते हैं. तो वो बात अलग थी. तो जैसे मैंने पहला क्लाइंट क्लोज किया, इट वॉज फ्यू डेज बिफोर द एड क्रेस्ट लॉन्च. सबसे पहले आके भैया को दिखाया कि ये देखो पेपैल पे आ गए पैसे. इट वॉज $100, ठीक था. देन वी स्टार्टेड. लॉन्च के टाइम पे कोई क्लोजिंग नहीं हुई थी. एंड उसके बाद शायद 4 दिन के अंदर 3 क्लोजिंग्स आई. तो कुछ 600-700 एंड ऐसे करके क्लोजिंग्स आई. तो इट वॉज $1.5K. तो वो पार्ट था. और पैसे तो थे ही नहीं, मतलब स्टार्ट किया इन दैट टाइम पीरियड. मनी वॉज नॉट अ मोटिवेशन उस टाइम पे. ये था सीखना है भाई, कुछ तो सीखना है. एंड देर वॉज समथिंग न्यू. क्योंकि एट क्रिस्प के टाइम पे सबसे ज़्यादा अगर किसी को भैया को तंग किया होगा तो वो मैं था. मतलब ये काम चाहिए, वो काम चाहिए, ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा. तो दैट वॉज दैट दैट इज कॉल्ड हंगर. माई वर्ड, दैट इज कॉल्ड हंगर. अच्छा, ठीक है. अभी ना इस पर डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या आपका बिजनेस मॉडल था, ताकि लोगों को पता चले कि क्या क्या बिजनेस मॉडल आपने इम्प्लीमेंट करा. ठीक है. उससे पहले आई मेट हिम इन मुंबई एंड आई वॉज गोइंग टू लंडन. और वहाँ पर जाने से पहले मेरे को कुछ एडस्क्रिप्ट की टी शर्ट्स प्रिंट करानी थी. ठीक है. तो यहाँ पे गोवा में सैटरडे संडे सब बंद था. मुंबई में मुझे पता था चांसेस हैं, लेकिन उस दिन कुछ there was something जिसकी वजह से everything was closed. पब्लिक हॉलीडे था. एंड तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. तो मैंने अपने फेसबुक पे पोस्ट डाला था पिछले साल में, जाके देखना. ठीक है. मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाला था कि मेरे को मुंबई में टी शर्ट्स प्रिंट करानी है. आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, अगर कोई मेरी हेल्प करा सकता है सो लेट मी नो. And that is how you build a relationship, okay? रात को 4 बजे मैंने पोस्ट डाला, because that time I was taking my flight from Goa to Mumbai. और मैंने ये बोला था जैसे ही मैं वहाँ पर आऊँगा आई विल गेट इन टच विद somebody. तो उसी समय रात को 4 बजे जैसे ही मैंने पोस्ट डाला, इसका कॉमेंट आया कि आई विल गेट इट डन. नाउ टू थिंग्स, ओके. नंबर वन इज कि आप अगर अपनी सक्सेस के लिए सोचते हो, या अगर आप किसी भी बारे में सोचते हो, तो आप ये नहीं बोलते हो कि मैं ट्राई करूंगा ये करूंगा. आप ये बोलते हो कि आई विल गेट इट डन. कमिट फर्स्ट एंड देन यू फिगर आउट अ वे हाउ टू गेट थिंग्स डन. ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग फॉर यू. कमिट फर्स्ट एंड देन यू फिगर आउट अ वे हाउ टू गेट इट डन. सो हिज रिस्पॉन्स वॉज कि आई विल गेट इट डन. कैसे होगा ये सब मुझे नहीं पता, बट आई विल गेट इट डन. इसका तेरा कोई कनेक्शन नहीं था टी शर्ट का. आई नो दैट यू फिगर्ड आउट अ वे. यू ट्राई टू कॉन्टैक्ट विद समबडी एंड दैट्स हाउ यू फिगर्ड आउट अ वे. एंड द सेकंड थिंग इज दैट व्हेन यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अ रिलेशनशिप, डू इट. गो टू एनी एक्सटेंट एंड ट्राई टू बिल्ड अ रिलेशनशिप, बिकॉज इन बिजनेस रिलेशनशिप इज एवरीथिंग. एंड मैं इसे मुंबई में मिला था. मेरे को कैब लेनी थी. ठीक है. मेरे पे चेंज नहीं था. मैंने इसे बोला देवव्रत यार क्विक चेंज पड़े 500 रुपये पड़े. अब इसने मेरे को क्या बोला कि यार भैया मेरे पे भी चेंज नहीं है. लेकिन इसका रिएक्शन, इसकी वॉइस देख के ना मैं समझ गया था कि वो चेंज नहीं था इसके पास, ऐसा नहीं था, इसके पास पैसे ही नहीं थे. तो मैंने फिर इमीजिएटली अपना स्टेटमेंट और वो डायरेक्शन ऑफ कॉन्वर्जेशन चेंज कर दिया. मैंने कहा अच्छा वो तो कोई नहीं, यहाँ से निकल जाएगा. खैर एनीवेज, नाउ कमिंग बैक. ओके, सो एक पिछले एक साल में क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं, क्या क्या चीज़ें आपने करी हैं, थोड़ा सा बताओ. और एक और पॉइंट जो आपने मिस कर दिया, उसके पहले हम लोग, मैंने आपको कितने सारे मैसेजेस किए थे. तो आई डिड नॉट वॉन्टेड टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी कि अगर टी शर्ट के बहाने ही सही बट मिलेंगे तो सही. तो वो तो मैंने फिगर आउट किया क्योंकि 4 बजे मैं था, क्योंकि कॉल्स किसी को कर नहीं सकते. तो सुबह 7 AM से मैंने कॉल करना स्टार्ट कर दिया था लोगों को. तो बिकॉज मैं भैया को बहुत मैसेज कर रहा था एंड ही वॉज नॉट रिप्लाइंग, आई नो, क्योंकि बिजी थे. तो बट हाँ, रिलेशनशिप्स के लिए आप कुछ भी कर सकते. एंड दैट डे आई गॉट 6 to 7 hours टू सिट विद इजीली. और फिर एट क्रिस्प. सो अगेन यू हैव टू गेट एनी अपॉर्चुनिटी पॉसिबल. ये मत देखो प्रॉफिट हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है, बट गेट दैट. और चेंजेस की बात करते हैं. अभी चेंजेस आई वुड से कि एज राहुल भैया ऑलवेज सेज इन हिज वीडियो, मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन. सो दैट मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली हैपेंड व्हेन आई
after completing the ad plus launch, क्योंकि उस time पे पैसे हो चुके थे थोड़े बहुत. So the first thing that I did was I went to Mumbai, started working on the things again कि एक process build करना है और started thinking कि अब क्या करना है, because again आप chatbot के clients पे तो business नहीं चला सकते, because it's something like not a retainer model, it's a one time model. अभी जिसको पता नहीं है उसको बता देते हैं, वन टाइम मॉडल इज जहाँ पे आप एक बार में पैसे चार्ज करते हो, रिटेनर मतलब जहाँ पे हर मंथ चार्ज करते हो. सो वी डिड दिस थिंग, फिर मैंने मुंबई में गया, मैं फिगर आउट किया द बिग थिंग अबाउट सिमरन ऑल्सो मैंशनिंग. सो अगेन मैंने यहाँ पे भी एक और रिलेशनशिप बनाई, वॉज हु वॉज द को फाउंडर ऑफ एड प्रेस, सिमरनदीप पाल, ही वॉज द डेवलपर ऑफ एड प्रेस. मैंने आई बिल्ड अ कनेक्शन विथ हिम अगेन, एंड दैट कनेक्शन ऑल्सो help me to grow like hell, like I can't give that numbers also. So हमने वो चीज़ स्टार्ट की, I went to Mumbai, I started thinking of चलो एक agency बनाते, because that was something I was really good at in bringing clients result. So I went to Mumbai, I started doing all this stuff. वो भी एक रात थी, जैसे कि हमारी मतलब I would say most of the deals जो अच्छी close हुई है वो रात को ही हुई है, तो क्योंकि हमारी industry रात को ही जगती है IST की. तो 4 AM I got a message from सिमरनदीप पाल कि हे आई नो यू आर अ पार्ट ऑफ एड प्रेस लॉन्च, लेट्स वर्क ऑन समथिंग. सो लेट्स वर्क ऑन समथिंग, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, मिस तो नहीं करना है. 4 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक चैट किया, वी केम टू अ प्लान ऑफ बिफोर ब्रांडिंग डिजिटल एजेंसी, वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द पार्ट. वापस हम कहाँ मिले थे, EBW 1. ओके, EBW 1 वी मेट हियर, लाइक आई मेट विद सौरभ भैया एज वेल एज माई पार्टनर, बिकॉज दैट वॉज द फर्स्ट टाइम वी एक्चुअली मेट. और फिर हमने स्टार्ट किया, एंड फ्रॉम दैट पॉइंट टू नाउ, at that time it was $0 retainer. Now the big thing I want to say is we are just working with the international client. That's something which I would say that has changed the things. Secondly, we went from $0 to more than $10,000 retainers every month. Third, we are working aapki audience ko JVZ to kafi acche se pata hoga, pata hoga. So we are working with all the big names you could talk about in JVZ. We are handling their marketing part, we are handling the launches part and all a lot of things like for जिस, them. जिस तरीके की software launches यहाँ पे हम लोग करते हैं, वैसे जो और लोग launches करते हैं उनकी marketing में, उनकी remarketing ads में, या पीछे setting up their funnel and जितना backend activities होता है जो कि वो लोग नहीं करना जानते हैं, so that part is something that he is handling, and not just any new people but a lot of good people. Okay, yes, and again ये चीज़ कहाँ से सीखी, was from ad crisp. तो अगेन जो आप सीखोगे, सीखना कभी वेस्ट नहीं होता, कीप ऑन लर्निंग द थिंग्स. ये चीज़ हुआ, दैट वॉज द थर्ड बिग अचीवमेंट. फोर्थ, काफ़ी लोगों ने एड्स देखी ली होगी, या नहीं भी देखी है तो दिखी जाएगी कभी ना कभी, तो मैं रिटारगेटिंग सेट कर दूंगा उस हिसाब से. बट द बिग पॉइंट हियर इज, जो बंदा यहाँ पे आने के लोकेशन पे आने के बाद जिसके पास 100 रुपये थे, वो बंदा आज एड्स में भी पैसे डाल सकता है. सो दैट वॉज समथिंग विच चेंज्ड अ लॉट फॉर मी. एंड फिर उसके बाद देर वॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन टू प्लेस, काफ़ी ज़्यादा लोग जानने लगे, काफ़ी ज़्यादा मनी इज समथिंग आई वुड नॉट से कि बहुत ज़्यादा प्रेफरेंसेस है, बट द मेन प्रेफरेंस वॉज वी स्टार्टेड कमिंग इन टू कॉन्टैक्ट विद अ लॉट ऑफ गुड गाइज इन द SaaS इंडस्ट्री, एंड एज वेल एज वी मेड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम द लोकल नीशेस. सो दैट वॉज द टू डिफरेंट पार्ट. ओके, सी देवव्रत, मैं एक और पॉइंट यहाँ पे पुट करता हूँ. ठीक है, अभी आपने बोला मनी ठीक है बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, दैट इज समथिंग कि ठीक है फॉर अ सर्टेन पॉइंट आई वुड से येस, बट फॉर मी सी आई एम वर्किंग ओवर हियर एंड आई वॉन्ट टू जनरेट अ लॉट ऑफ मनी. आई वोंट बी ऑनेस्ट इफ आई वोंट से दैट आई एम नॉट सेल्फिश. येस आई एम सेल्फिश बिकॉज आई वॉन्ट टू अर्न मोर मनी फॉर मी, माई पीपल, माई कंपनी पीपल, द पीपल हु आर स्टैंडिंग ओवर देयर, राइट? एंड जितने हमारे लोकल रिसोर्सेज में लोग हैं, जो हमारे लव्ड वंस हैं, एंड जिन लोगों को ज़रूरत है उनके लिए भी, और सबके लिए तो है और अपने लिए भी, बिकॉज अगर आपको हमारी जर्नी का आइडिया होगा, फॉर द फर्स्ट 4.5 ईयर्स वी वर अर्निंग 500 रुपीज पर मंथ, राइट? सो आई हैव बीन टू दैट स्टेज एज वेल, एंड आई हैव बीन टू दिस स्टेज एज वेल, एंड आई वुड ऑलवेज प्रेफर टू बी इन दिस स्टेज एंड ऑलवेज कीप इट ग्रोइंग. द पॉइंट इज द वे वी आर मेकिंग मनी इज समथिंग विच इज एथिकल. एट द सेम टाइम वी आर एम्पावरिंग मोर पीपल इन हेल्पिंग, यू नो, इन हेल्पिंग देम इन अर्निंग मोर मनी, राइट? एंड अगेन वन ऑफ द एग्जाम्पल, अच्छा पहली चीज, वन ऑफ द एग्जाम्पल इज सिटिंग ओवर हियर, एंड ऑफकोर्स आउट ऑफ हिज ओन एफर्ट्स, बट देन अगेन अगर आपको थोड़ी सी डायरेक्शन मिल जाए देन इट हेल्प्स अ लॉट. ओके, सो देवव्रत, अभी आप कौन कौन से इंडस्ट्री के क्लाइंट्स हैं आपके?
सो बिजनेस इज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. एक होता है SaaS क्लाइंट, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं लोग, उनके साथ काम करना. दूसरा है लोकल नीशेस, वी पिक दी 5 कंट्रीज, यू नो, जो बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज हैं, द यूरोपियन मार्केट्स, US, Canada, Australia, and sometimes if we get good clients in Indian market, because there are people who want result and they could pay for it. Okay. So Australia, New Zealand में venture नहीं करा? Plans, because हमारे पास वो accent के लोग नहीं हैं. Okay. So again, okay. I'll tell more about okay, this. Okay. Okay. So again, so जो मेरा SaaS वाला business है, in which we work with SaaS client, is totally where I come into picture. I'm the first point of contact. I'll handle all the marketing. I'll take charge of all the things going on onto the plate. But the local niches is completely automated. So I, if I want to give a number, I'll spend less than 10 hours a week उस business को manage करते हुए. That is churning out more than $10,000. So मैंने, क्योंकि in SaaS you have a percentage and all the things attached as well. And at the same time इसमें आपको relationship भी build करनी है for the bigger things. तो इसमें आपका ज़्यादा time जा रहा है, लेकिन revenue कम आ रहा है. लेकिन at the same time the reason is you know कि आगे जाके उससे ज़्यादा revenue आएगा. Because I've seen that industry. You have seen that industry. You have first hand experienced that industry in the active launch and the refresh जो हम करते हैं per second का, जो उसमें revenue grow होता है. So of course. So what he's saying is कि इसके अभी दो business model चल रहे हैं. एक SaaS वाला जो कि हमारा software वाला है, उसमें इसका revenue अभी कम है, लेकिन फिर भी ये उसमें ज़्यादा time invest कर रहा है. क्यों? Because आगे जाके उसमें potential ज़्यादा है. And at the same time जो local business वाला part है, local business आप समझ गए, restaurants की marketing करना, saloons की, chiropractors की, dentists की, all those local people, okay? And that is a big niche, by the way. So क्योंकि ये सारे जितने local businesses हैं, they don't know how to do marketing for them, right? So अगर आप ये सारी चीज़ें सीख लो और उन लोगों के लिए marketing कर दो, they can pay you very well, right? How much? How much are you charging for one client? There's a fixed fee, $1,500 plus $500 ad budget. Okay, $1,500 is your fee. $500. $500 is the ad budget. And of course, अगर अच्छा result आ रहे हैं, then automatically you will scale the ad budget. We'll scale only the ad budget, not the fees. So fees is fixed. $1,500. Okay. Perfect. Okay. So $1,500 now sitting in India and earning in foreign currency. Now that is also a big thing, right? And I guess ये भी हमारा डिस्कशन हुआ था व्हेन आई मेट यू इन मुंबई, बिकॉज टिल देन आपको फोकसिंग इन द इंडियन मार्केट. आई वाज अ ब्रांड ओरिएंटेड गाय कि मुझे ब्रांड्स के साथ काम करना है. बट ओनली सौरभ भैया गेव मी द पोटेंशियल कि बिकॉज आई वाज अ बिट हेजिटेंट टू गोइंग इनटू द इंटरनेशनल मार्केट. बट अगेन आई फिगर्ड आउट द थिंग्स. एंड जो हमने ये बिजनेस मॉडल किया, अगेन दैट्स ऑल्सो समथिंग आई वॉन्ट टू रिवील, इज दैट जस्ट टू लर्न दिस बिजनेस मॉडल आई हैव स्पेंट मोर देन $10,000. सो अगेन वट आई एम मेकिंग पर मंथ is what I spent in just one month to learning up the things. But again, आपको जब एक बार में $10,000 spend करना हो तो you will think thrice, और thrice से भी ज़्यादा. But we invested that thing and that started giving us result from the, I'll say from the first week itself. फिर हमने ये पूरा business model बना जहाँ पे हमारी sales team US की है. आपका answer करता question कि हमने Australia में क्यों नहीं grow किया, तो I never come on a client call, मैं कभी closing नहीं करता, because I'm an Indian, I'll be undervalued. Or secondly, they'll never like to pay me as much as they'll pay someone who's in that accent. So taking that into place, हमने एक sales team built की. We have guys in US and the Canada market. So we have guys in these two place. For the European market, we have a dedicated person. So he was the first person I got into contact with. So he's handling the European markets, not all the European countries, but specific European countries, because they have change of language very frequent. We have not got till date any person in the Australian market, but yes, we are searching for them and we'll be growing in that market as well. As in the person for generating sales, yes, for closing sales. Who's good in sales, but the accent is not the main thing. Is for closing sales, right? Yeah, for closing sales, you need to at least. So in our process, we have one sale per week by one sales guy. That's the place we have. Like $1,500 per month. एक और चीज भी है, Devvrat. जैसे नाउ यू आर सेइंग कि एक जो बाहर का बंदा है, द दैट पर्सन क्लोजेस सेल फॉर यू, तो लेकिन उससे पहले आपने एक और चीज़ बोली कि एज एन इंडियन जब आप जाते हो तो आपको अंडर वैल्यू किया जाता है. तो ऐसा हुआ होगा, आपने एक्सपीरियंस किया होगा तभी, या फिर आपने पहले से ये सोच लिया? नहीं, बहुत ज़्यादा पहले हुआ आपके साथ, आपको कम पेमेंट मिला, समथिंग लाइक दैट? सी द ओनली थिंग दैट लोकल नीशेज, अगर आप लोकल नीशेज में जा रहे हो, द डायरेक्ट लाइन स्टेटमेंट, जैसे हमारी इंडस्ट्री जो है जेवीजो इंडस्ट्री, वहाँ पे एवरी वन इज सपोर्टिंग एवरी सेकेंड पर्सन, सो वी हैव अ गुड कनेक्शन. वहाँ पे कंट्री इज नॉट अ मैटर.
जब मैं इस इंडस्ट्री से थोड़ा वेंचर ऑफ किया लोकल नीशेज में, वहाँ पे दे आर लाइक मोर पैट्रियोटिक एंड दे से दैट अपवर्क और फाइवर पे इट कुड बी डन इन $5 और $10 फॉर एग्जैक्टली द सेम सर्विस यू आर चार्जिंग $1500. So there are guys who could do it for $5, $10 and even for free for them. But they would never bring the result. And that has been like my experience for more than 2 months. I was constantly trying. Jo bhi aap technique soch sakte ho to get a client, maine sab try kiya. Upwork, Fiverr, Facebook group commenting, email outreach, sab try kiya. See, problem ye hai na, ek banda bol raha hai main Facebook ads marketing karunga. Dusra banda bhi ye bol raha hai main Facebook ads marketing karunga. Ek banda bol raha hai main $5 lunga. Ek banda bol raha hai main $5000 lunga. Ab dono ne yehi likha hai ki main Facebook ads marketing karunga. How will you get to know ki wo banda better hai? राइट right? और अभी जब दोनों को दिख रहा है कि यार एक जगह तो $5000 जा रहे हैं, एक जगह लेट्स सपोज $100 जा रहे हैं, तो मेरे दिमाग में आएगा यार लेट मी ट्राई दैट $100 first. और उससे होगा क्या, पहले आपका मनी खराब हुआ, दूसरी बात आपका टाइम भी गया, और ऊपर से जो एडवर्टाइजिंग का जो बजट है वो $100 तो फी थी, अब उसने जो एडवर्टाइजिंग के $500 घुसा दिए वो भी चले गए. राइट right? और एक और चीज, अगर ये पार्ट जो होता है ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लोग करते हैं, उससे क्या होता है कि बाकी जो सेकंड बंदा ट्राई करने वाला है, लेट्स से कि वो जो $5000 कोट किया है ही इज आल्सो फ्रॉम इंडिया, और जिसने $500 या लेट्स से $100 भी कोट किया है ही इज आल्सो फ्रॉम इंडिया, तो इस बंदे की वजह से उसका ट्रस्ट किस पे है, पूरे इंडियंस पे. दे स्टार्ट पुटिंग यू ऑल ऑफ यू इन द सेम बास्केट. राइट, वो होता है, वो जनरली होता है. सो अभी इसमें एक और चीज समझ में आई मेरे को, वो ये कि जैसे अभी नाउ यू रियलाइज द फैक्ट कि अगर आप खुद क्लाइंट कॉलिंग में जाते हो तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा अंडर वैल्यू करते हैं, बिकॉज ऑफकोर्स दे विल पुट यू इन द सेम बास्केट एंड थिंग्स लाइक दैट, एंड एक्सेंट प्रॉब्लम है, ऑल दीज थिंग्स यू लर्न विद टाइम एंड विद प्रैक्टिस. अभी मैं अगर आपको बताऊँ, हमारा जो पहला लॉन्च हुआ था जो मैंने किया था 16 के सेप्टेम्बर में, ओके, सो इट वॉज बाई द नेम मैक्सअप एज प्रॉफिट. उसमें जो सेल्स वीडियोज थे ना, उनका जो वॉइस ओवर है वो मैंने किया है, जाके चेक करना मैक्सअप एज प्रॉफिट. और एक और चीज, वो जो आपको लॉन्च में आपको जो रेवेन्यू आपने इन्वेस्ट किया था वो भी नहीं मिल पाया था बिकॉज ऑफ दैट वन मिस्टेक. यस, क्योंकि उस लॉन्च में मेरे को लॉस हो गया था, एंड अगेन मेरे को आइडिया नहीं था कि यार एक्सेंट का प्रॉब्लम हो जाएगा. आई हैड अ वेरी सिंपल आइडिया कि सेल्स वीडियो है, वॉइस ओवर कर देता हूँ और वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर देंगे. बट अगेन By that time, again, I had no mentoring, right? Similarly, इसको इस चीज़ के लिए किसने गाइड नहीं करा कि बाहर के लिए जब क्लाइंट्स को क्लोज कर रहे हैं तो फिर आप किसी और को भेजो, someone who can relate with their face. Now, for our sales videos, we hire a specific person जो कि बाहर का US का बंदा है, वो हमारे लिए वॉइस ओवर करके भेजता है. So again, all these things you learn with time. एंड अगेन अगर कोई मेंटोर मिल जाए तो ऑटोमेटिकली वो आपको गाइड कर देगा, और पहली बार में भी आप वो मिस्टेक नहीं करोगे. मैंने पहली बार में मनी लूज करा, इसने भी पहली बार में मनी लूज करा. टाइम आई वुड से मोर देन मनी, हमने टाइम लूज किया. एग्जैक्टली, इट वॉज अ पीरियड ऑफ 2 months. देन अब एक बात करते, जब सेल्स हो गई, लेट्स से आप क्लोज हो गए हो, अगेन मैं फिर भी काम नहीं करता, देन ही वुड जस्ट इंट्रोड्यूस मी दैट ही इज द फेस ऑफ द कंपनी, ही इज समवन हू इज मैनेजिंग द कंपनी. फिर बैकएंड पे पूरा प्रोसेस होगा, ऑटोमेशन होगा. उसके लिए दो डेडिकेटेड हमारे पास टीम मेंबर्स हैं जो सिर्फ एड्स मैनेजर पे काम करते हैं. दे आर ओनली फोकस इज टू ब्रिंग रिजल्ट्स फॉर क्लाइंट. उन्होंने डिलीवर रिजल्ट नहीं किया तो हम उनको पे नहीं करेंगे और हम क्लाइंट को पूरा पैसा रिटर्न कर देते हैं बिकॉज वी हैव नॉट लाइक बॉट रिजल्ट ऑन द टेबल. सो अगेन इस पूरे प्रोसेस में मेरा काम क्या है, सिर्फ मॉनिटर करना. वी आर गेटिंग द राइट लीड्स, वी आर गेटिंग द राइट सेल्स, वी आर ऑनबोर्डिंग राइट टाइप ऑफ पीपल एंड हाउ टू इंक्रीज द टीम. पूरा बिजनेस ऑटोमेशन पे, बट अगेन गलतियों से सीखा, किसी और को पैसे दिए उससे सीखा ये बिजनेस मॉडल, फिर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. तो दैट इज़ वन थिंग. तो ये ऑटोमेशन वाला प्रोसेस इज वन थिंग. सेकेंडली, जो हमने SaaS का किया, SaaS में हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप, बिकॉज हम मुझे पता है कि ये रिलेशनशिप अगर इतनी प्रॉफिटेबल है तो अगर मेरे पास ऐसी 10 रिलेशनशिप्स होगी तो कितनी प्रॉफिटेबल होगी. ओके, तो वो चीज़, ये रिलेशनशिप इतनी प्रॉफिटेबल है. ओके, तो क्या क्या फ़ायदा हुआ आपको रिलेशनशिप से बाय द वे? तो पहला फ़ायदा तो वॉज लर्निंग, एक इंडस्ट्री जिसके बारे में जानता नहीं था, SaaS इंडस्ट्री. तो पहला चीज़ तो मैंने उस इंडस्ट्री के बारे में जाना. सेकेंडली, आपका एक इवेंट हुआ, उसमें हम, ये EBW से सेपरेट इवेंट है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से भैया ने इंट्रोड्यूस करवाया था. दैट वॉज सेकेंड थिंग. थर्ड, जब भी कोई जानता है कि मैंने एक लॉन्च पे, बिकॉज हमारी जो इंडस्ट्री वो थोड़ी सी छोटी इंडस्ट्री, यहाँ पे हर बंदा दूसरे बंदे को जानता है. सो आपको पता है, क्लाइंट को आपने रिकमेंडेशन दिया था,
एक नहीं बहुत सारे क्लाइंट को. तो पीपल मैंने मैसेज हिम फर्स्ट दैट हाउ देवव्रत इज वर्किंग ऑन द थिंग्स एंड हाउ इज हिज प्रोसेस एंड एवरीथिंग लाइक दैट. जब रिकमेंडेशन यहाँ से आती है तो यू नो दैट क्लाइंट वुड बी क्लोज फॉर अस. सो बहुत सारे क्लाइंट हमारे ऐसे भी क्लोज हुए जो कि मुझे मैसेज करने से पहले मेरे दो या तीन पार्टनर्स को मैसेज करें, वहाँ से उनको अच्छा रिव्यू मिला, देन ओनली दे आर वर्किंग विथ मी. तीन पॉइंट्स हो गए ना. फोर्थ पॉइंट्स अगेन, क्योंकि रिलेशनशिप से बहुत बेनिफिट होता है. फोर्थ पॉइंट जो कि सबसे मेन है इज दैट कि आप जितना चाहो उतना कमा सकते हो, उतना ग्रो कर सकते हो. बस एक चीज़ होता है कि आपके माइंड में एक मेंटल बैरियर होता है कि यार मैं ये नहीं कर सकता. सो इनिशियली मुझे लगता था $1,000 का क्लाइंट क्लोज नहीं हो सकता. आई वर्क ऑन द थिंग्स $100 पहला क्लाइंट, दूसरा $600, तीसरा वॉज 950, थोड़ा सा बच गया था 1,000 से. अब कंटिन्यूसली हर मंथ वो आता है, मतलब बिना कुछ किया आता है. तो अगेन जितना बड़ा सोचोगे उतना करोगे. ये मैंने भैया से ही सीखा. 500 का इवेंट, 5,000 का इवेंट, 10x. सो दैट वॉज समथिंग आई लर्न फ्रॉम हिम एंड यू लर्न फ्रॉम अंकल जी. 10x. या तो दैट वॉज समथिंग विच आई लर्न इन द कोर्स ऑफ टाइम एंड विद दिस रिलेशनशिप. राइट. और अभी एक साल हुआ है. तो मेन चीज़ ये है कि अभी एक साल हुआ है और अभी एक साल के बाद जो चीज़ें ग्रो होंगी, अभी एक साल में तो आप बेबी स्टेप्स लेते हो यार. मतलब बेबी स्टेप्स आपके ह्यूज है. तो अगेन आपका जो आने वाली जर्नी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी. ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें सिर्फ एक साल में हुई है. लेट मी गिव हिम द क्रेडिट फॉर दैट. सो 17 साल की एज में ये हमसे मिला था, लेकिन ही स्टार्टेड वर्किंग एट द एज ऑफ 15 से यू स्टार्टेड वर्किंग प्रोफेशनली. ओके. सो ऐसा नहीं है कि हमसे मिलने से पहले कुछ नहीं करा था. हमसे मिलने से पहले ही वर वर्किंग वेरी वेल. मतलब ही वॉज नॉट जनरेटिंग रेवेन्यू, बिकॉज एनीबडी हु स्टार्ट्स, आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप इमीडिएटली रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट कर दोगे. ओके. तो पहले 2 साल में ऑब्वियसली इसने इतना रेवेन्यू नहीं जनरेट करा था, लेकिन हाँ, वेन ही केम टू एड्स क्रिस्प एज एन इंटर्न फॉर द लॉन्च, ही वॉज वेल अवेयर ऑफ द थिंग्स. ही वॉज अवेयर ऑफ मैसेंजर. He was well aware of how to set up the, at least the basic settings of Facebook ad and everything, right? So, बहुत सारी चीज़ों में इसको मेरे को guide नहीं करना पड़ा था. He was fully aware of that. In fact, Messenger में, I can say he was more aware than me. He fully handled the Messenger for AdScript, right? And काफ़ी सारी responsibilities थी जो कि मैंने full-fledgedly देवव्रत को handle करी थी. And of course, there were other team members and they did a phenomenal job. He did a phenomenal job. कुछ ग्रुप से सेल्स क्लोज करना, he did that, right? Again, so all the duties, everything, जो सबसे बड़ी चीज़ थी ना जो मैंने इसके अंदर देखी थी, मैंने शायद इसको वीडियो भी बनाया था जो हम लोगों ने बनाया था. वो है तेरे वीडियो सेल्स वाला, जो टेस्टिमोनियल वाला, जो मेट्रो के किनारे खड़े होकर हम लोगों ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, रखा हुआ है? हाँ, मेरे पास है. ओके. तो मैंने उसमें एक ही चीज़ कही थी कि यार देवव्रत, तब तक ये चीज़ भी श्योर नहीं थी कि यू आर गोइंग टू कम फॉर दी आर्ट्स क्रिस्प. और एक साल मेरे पास, और एक साल बाद क्या होने वाला है. अभी इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, ऑब्वियसली वी कुड नॉट प्रेडिक्ट कि अभी एक साल में ये सब हो जाएगा. लेकिन मैंने उस वीडियो में एक ही चीज़ बोली थी कि यार देवव्रत, आई सी दी वर्क एथिक्स इन यू. And because of the work ethics and because of the fire and because of the hunger, things are going to happen. Just keep doing and aap cheeze karte jaoge, automatically cheeze hoti jayengi and usi se sari cheeze change hoengi. Right? Achha, Devvrat, ek final cheeze. Hamara EBW2 event aa raha hai. Enrichment begins within 2. Theek hai? Main to batata hi rehta hun logon ko ki aana hai aapko event mein. Aapko kya lagta hai ki logon ko event mein aana to hai? Kyun aana chahiye? Aap logon ko batao. See, events वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं नेटवर्किंग के लिए. अब यहाँ पे आपको कितना नेटवर्किंग रहा है, 5,000 लोगों के साथ नेटवर्किंग. अब एक प्रैक्टिकली आप सोचोगे तो 5,000 के साथ नेटवर्क नहीं कर सकते. अगेन ये चीज़ मेरे को भैया ने सिखाई थी, अगर पॉसिबल हो तो एक लिस्ट निकालो. ये लोग हो सकते हैं जिनके साथ आप नेटवर्क कर सकते हो एंड इट वुड बी अ प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप. हमारा एक ग्रुप भी बनता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि हमारा एक फेसबुक ग्रुप भी बनता है जहाँ पे हम सारे मेंबर्स को ऐड करते हैं. यू सी कि आपके लिए बेस्ट पोटेंशियल बंदा कौन सा है. आप फेसबुक कॉल करो, मैसेंजर कॉल करो, फ़ोन पे जाओ, वो रिलेशनशिप नहीं बिल्ड हो पाती. यू हैव टू कम इन पर्सन, उस बंदे से मिलना होता है. मेक योर बेस्ट लिस्ट ऑफ 20 पीपल ओनली जिसके साथ आपको लगता है पोटेंशियल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है. नेटवर्किंग विद 5,000 इज समथिंग जो कि अनइमेजिनेबल है, बट नेटवर्किंग विद 30 पीपल हु कुड बी प्रॉफिटेबल फॉर योर बिजनेस इज समथिंग दैट यू कुड ऑलवेज टेक लेवरेज ऑफ. दैट्स फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट इज कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कभी पता नहीं होगी. जैसे मुझे नहीं पता था कि जेवीजू जैसा कोई प्लेटफॉर्म है, एप्सुमो जैसा कोई प्लेटफॉर्म है. ओके. सो देवव्रत, अभी जैसे आपने बोला जेवीजू, एप्सुमो, जैसे भारी भारी आपने नाम ले दिए, तो
उस समय जैसे आपको नहीं आइडिया था इसके बारे में, पहली चीज़ तो आप लोग कमेंट करो, आप जितने लोग हैं यहाँ पे जिनको जेवीज़ आप सुबह वगैरह के बारे में नहीं पता है कमेंट करो, ठीक है। एंड आप सारे लोग भी कमेंट करो जिनको इस वीडियो में कुछ एक नई चीज़ देखने को मिली है, सीखने को मिली है। इट कैन बी एनीथिंग बट समथिंग न्यू, ओके। सो नीचे कॉमेंट करो एंड अप्रिशिएट दी एफर्ट एंड अप्रिशिएट दी पर्सन हु इज सिटिंग ओवर हियर, और बताओ कि आपको क्या नया सीखने को मिला है, ठीक है। ओके, सो यस, सो वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाई दे शुड अटेंड द इवेंट, वो पहला वाला हो गया था पॉइंट। दूसरा एज फर्स्ट पॉइंट वॉज अबाउट नेटवर्किंग, सेकेंड पॉइंट वॉज बहुत चीज़ें होगी जो आपको पता नहीं होगी, दैट्स लाइक लर्निंग दी अननोन स्टफ। थर्ड एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि यू गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम द पर्सन, लाइक लास्ट इवेंट में देर वॉज थिंग दैट मैंने थोड़ा सा इंस्पायर हुआ था अमित TRY ट्रायोटेक से, क्योंकि द वे ही बिल्ड हिज यूट्यूब चैनल, अगेन आपको इंस्पिरेशन मिलती है टू गेट द थिंग्स रोलिंग इन और लर्न, मतलब आपको लगता है कि यार ये चीज़ आपके लिए शायद होगा कि ये अचीवेबल नहीं है, बट आप देख रहे हो कि दूसरे लोग कर रहे हैं, दे आर डूइंग इट ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, लाइक दिस इवेंट 4.68 million, मेश मदान समथिंग लाइक दैट, राइट। तो वो आपको लगेगा कि येस दिस इज अचीवेबल। तो चीज़ें होती है जब आपका माइंड थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है कि यार ये सारी चीज़ें हो सकती है। फोर्थ चेंज जो कि आने के बाद लोग करते नहीं है और जो आपने से ही मैंने सीखा है कि इवेंट होता कितने घंटे का है, अराउंड मॉर्निंग से, हमारा इवेंट तो चलो 10 बजे तक होता है बट यूजुअली जो इवेंट होते हैं वो 9 PM तक क्लोज हो जाते हैं। द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू आफ्टर द इवेंट इज इम्प्लीमेंट द थिंग्स दैट यू लर्न इन द लास्ट फ्यू आवर्स। ये चीज़ आपने ही मेरे को सिखाई थी और ये ऐसे ही होता है, आप सीखते हो लोगों से, तो ये चीज़ हमेशा इम्प्लीमेंट करना। आप इस इवेंट में आओ, लर्न करो, 9-10 बजे तक खत्म हो जाएगा, पूरी रात बाकी है, हमारी बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी रात को ही आती है। आप भी करो, पूरी रात काम करो, इम्प्लीमेंट एवरी सिंगल थिंग पॉसिबल। गोवा में आए हो 3 दिन के लिए या 4 दिन के लिए, जितने दिन के लिए भी आए हो, बीचेस मत एंजॉय करो, बाद में भी एंजॉय कर सकते हो, बट द मेन थिंग इज इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंटेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लाइक मैंने तब से लेके अभी तक सिर्फ 2 इवेंट अटेंड किए, वो दोनों सौरभ भैया के ही इवेंट थे। पहला वाला EBW एंड सेकेंड वॉज जो थोड़ा सा एक प्राइवेट कम्युनिटी इवेंट था, बट एवरीथिंग दैट आई लर्न दैट टाइम इज वॉट आई इम्प्लीमेंटेड। राहुल भैया से इंस्पायर हुआ, राहुल भैया वॉज ग्रोइंग हिज ब्रांड जस्ट विथ फेसबुक एड्स, हमारी रोज बात होती थी, आई इम्प्लीमेंटेड दैट थिंग। बहुत कम लोगों को पता है कि जो मैंने 5 मिनट के लिए आया था स्टेज पे, 5 मिनट के लिए स्टेज पे था, रेड टी शर्ट की जो भी आपको एड्स दिखेगी वो सारी उसी इवेंट की थी। सो ग्रैबिंग द अपॉर्चुनिटी इज इम्पॉर्टेंट। 5 मिनट के लिए स्टेज पे थे, फोटो आ गई, उसी फोटो को आज तक एड्स पे चला रहे हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट, मतलब इम्प्लीमेंटेशन। और वो एड भी शायद नेक्स्ट 10 डेज के अंदर ही क्रिएट हुई थी, द फनल वॉज एक्चुअली लॉन्च 10 डेज आफ्टर दैट। तो चीज़ें इम्प्लीमेंट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक उसी दिन इवेंट के बाद अटेंड करो, बट उसके लिए पहले इवेंट में आओ, दैट्स इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली, सो इफ आई समराइज, पहली चीज़ नेटवर्किंग इज समथिंग विच इज सुपर इंपॉर्टेंट, ओके। मेरे को नेटवर्किंग से बहुत फायदा मिला है, अगर तेरे को याद होगा व्हेन यू वर इन गोवा आई वेंट टू दैट बैंकॉक इवेंट, और वहाँ पे जाके आई डिड सम प्रीटी कूल नेटवर्किंग, बिकॉज ऑफ दैट अ लॉट ऑफ एफिलिएट्स प्रमोटेड आवर इवेंट, राइट, द टी शर्ट वन एंड अ लॉट ऑफ थिंग गुड थिंग्स हैपेंड। सो अगेन अपने लॉन्च से पहले आई वेंट टू बैंकॉक, वहाँ पे अच्छी चीज़ें करके आए एंड उसकी वजह से लॉन्च में फायदा मिला। आई वेंट टू US, अगर तुमने देखा होगा मार्केट प्लेसों के लॉन्च में, तो नंबर वन एफिलिएट वॉज एरिक कॉलिन, जिसने कि हमें $60,000, ओके, कितना हो गया 40 लाख रुपए के आसपास का रेवेन्यू सिर्फ उसी ने जनरेट करा है हमारे लिए 1 महीने के अंदर। एंड उस बंदे से मैं मिला था US के अंदर बिकॉज ऑफ एन इवेंट, ओके। सो अगेन द पावर ऑफ नेटवर्किंग, फेसबुक ग्रुप का आप पार्ट बनोगे, आपको दिखेगा कौन कौन लोग आ रहे हैं, गो देयर विद अ प्लान, ओके। आपको फेसबुक ग्रुप के अंदर पहले से पता होगा, बिकम अ हीरो, अभी आपके पास 2 महीने और हैं, पता नहीं कितना दिन बचा होगा जब आप इस वीडियो को देखोगे। जाने से पहले ही फेसबुक ग्रुप में अच्छी चीज़ें करो, सो दैट पीपल कैन रिकोगनाइज यू एंड दे कम टू यू विद द अपॉर्चुनिटीज, दैट इज वन थिंग दैट ही मैंशन। नंबर 2 थिंग इज कि आपको जो चीज़ें सीखने को मिलेंगी अभी इस वीडियो में, हो सकता है आधे घंटे में आपको बहुत सारी नई चीज़ सीखने को मिली हो। इमेजिन व्हेन यू आर विद अस फॉर 3 days, ओके, 3 full days एंड ऑल द एक्सपर्ट्स कमिंग ओवर देयर, आपको वो सारी चीज़ें बताएंगे जो कि आपको नहीं पता है। एंड रिमेंबर दिस थिंग, द थिंग्स दैट यू डू नॉट नो इज हर्टिंग यू रियल बैड, और वही चीज़ें आपको वहाँ पे सीखने को मिलेंगी, एक छोटी सी चीज़, एंड योर बिजनेस विल बी टर्न्ड कम्प्लीटली अपसाइड, एंड दैट इज अ वैल्यू, दैट इज समथिंग विच इज ऑन द टेबल। एंड अगेन, कमिट टू थिंग्स फर्स्ट एंड देन फिगर आउट हाउ टू डू इट, जस्ट लाइक देवव्रत डिड व्हेन ही मैसेज मी फॉर दैट टी शर्ट थिंग, राइट, कि ये मेरी टी शर्ट प्रिंट करा के देगा। अभी आपको इवेंट में आना है, कमिट टू इट, फिगर आउट लेटर, बस से आओगे, ट्रेन से आओगे, पैदल आओगे, कैसे आओगे, विदाउट पैसे आओगे, कैसे आओगे, वो सब बाद में।
Commit first. And then figure out. And that is the value, that is what the whole journey is all about. That is what entrepreneurship is all about. Even bhai aapka that Malaysia event that you went on, mujhe bahut acche se yaad hai, our EBW1 was very close aur phir bhi aap wahan pe gaye the. And he went to a event in Malaysia. वहाँ की कुछ इमेजेस आज भी शायद एड्स में रन कर रही है वो दिखा देंगे यार तो वहाँ पे जाके वी शेयर्ड दी स्टेज विद ग्रैंड कार्डोन जो कि हमारे इवेंट से ठीक 3 दिन पहले था बट स्टिल वी वेंट देयर बिकॉज वी हैड अ प्लान सो अगेन गो देयर क्रिएट योर अपॉर्चुनिटीज ही क्रिएटेड दैट अपॉर्चुनिटी लाइक हेल एंड आई नो द जर्नी लाइक कैमरामैन टू द मेन गाय जो भी अगेन क्रिएट योर अपॉर्चुनिटी सी द पॉइंट इज कि दो तरीके के लोग होंगे एक जिनके सामने अपॉर्चुनिटी है वो फिर भी नहीं ग्रैब करेंगे दूसरा जो कि अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे आपके पास मौका है अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का कम ओवर हियर नेटवर्क विद अस नेटवर्क विद अ लॉट ऑफ गुड पीपल एंड दैट इज व्हाट यू नो विल ब्रिंग द चेंज इन योर बिजनेस एंड इन योर लाइफ यस सो दैट इज द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन हाँ जी बाकी हम अपनी प्राइवेट कंटिन्यू रखेंगे ओके सो लिंक बिलो है सारी और आई थिंक सो प्राइसिंग भी अप हो रही है तो अगेन आई एम अ गुड सेल्स गाय जो कि मैं नहीं बनना चाहता बट आई वुड से नीचे लिंक्स है गो अहेड बाय द टिकट सोचो मत वीडियो देख रहे हो उतने टाइम में ट्रांजैक्शन हो जाएगी 5 मिनट से भी कम लगेगा पहले बाय कर लो टिकट्स फिर फिगर आउट करो और मे बी मैं तो इवेंट में रहूंगा ही तो Absolutely. मुझे तो रहना ही है तो मिल जाएंगे नेटवर्क कर लेंगे सो दिस इज वन मोर अपॉर्चुनिटी जो कि मेरे साइड से बोनस है ऑलराइट चलो थैंक यू सो मच बाय बाय